आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की गई थी कि जो अयोध्या विवादित स्थल है जिसका अभी मैटर चल रहा है शॉर्टली, बहुत ही देश में बड़ी गर्मा गर्मी है, तो वो जो पिटीशन हमारी फाइल की गई थी, अयोध्या एक बौद्ध स्थल है, अयोध्या को राष्ट्र की धरोहर के रूप में घोषित कर दिया जाए, ऐसा हमारा अपील था। विनीत भाई के नाम से याचिका गई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका को कंसीडर किया। कंसीडर करने के बाद सिविल सूट में टैग किया। टैग करने के बाद सुनवाई आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, करते रहे करते रहे, पूरे 40 दिन तक जो है अपना टाइम लोगों ने व्यतीत किया। अच्छा, 39 डेज जब पूरे हो गए, 40वें दिन उन्होंने अपना प्रोसीजर रखा था कि भाई हाँ चारों पक्षों को सुनेंगे, और चारों पक्षों में से हमारे पक्ष को 45 मिनट का समय दिया गया था। 45 का मिनट का समय देने के बावजूद अंतिम दिन क्या होता है कि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी नोटिफिकेशन, इन्होंने हमारी जो याचिका होती है उसको डिटेक कर देते हैं, और सीधे जब हमारे लायर्स जो है वो चैम्बर में पता करते हैं तो उनके सामने रिजल्ट आता है कि आपकी याचिका तो डिटैक हो गई है, वो भी बिना किसी कारण के। तो हमारा सीधा सीधा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से यही है, क्या याचिका फाइल करने का मतलब यही होता है कि जब आप चाहे उसे डिटैक कर दें और जब चाहे तब उसे टैग कर दें? मीन्स अगर आप खारिज कर रहे हैं या उसको हटा रहे हैं, कहीं से भी हटा रहे हैं, तो उचित कारण देना जरूरी है। दूसरी बात है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो है उसे अलग से सुना जाएगा, तो हमारा ये कहना है अलग से क्यों सुना जाएगा, जब मेन मुद्दा वही है, मेन टॉपिक वही है, मेन विषय बिंदु वही है, तो अलग से सुनने का क्या लॉजिक है? और आपने अभी जो है उसे ऑर्डर में लगा दिया है, तो ऑर्डर में लगा देने के बाद जब आप ऑर्डर सुना देंगे, एक बार निर्णय दे देंगे, तो क्या दोबारी हमारी याचिका को सुन करके उसमें फिर बदलाव होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस स्थिति को लेकर के पूरे जो बहुजन समाज है बड़ा आक्रोशित है कि हमारे बहुजन समाज का जो मतलब धरोहर है, जो मानवतावादी जो धरोहर है, जो इस देश की पहचान है, मिसाल है, उसका बड़ा अपमान हो रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इट मीन सुप्रीम कोर्ट ही संविधान के खिलाफ जा रहा है। तो इस स्थिति में हम सुप्रीम कोर्ट को के आदेशों का पालन करें, या कह सकते हैं कि उसका मान सम्मान करें, हम अपनी बात को ना रखें, ये चीज़ मुझे नहीं लगता है ये भी लोकतंत्र के खिलाफ है। इसलिए पूरा का पूरा बहुजन समाज बहुत ही बड़े स्केल पर आक्रोशित है। 10 नवंबर को जंतर मंतर पे पूरे बहुजन समाज से अपील भी है, और काफ़ी लोगों का सहयोग सपोर्ट मिल रहा है। अबाउट 150-200 संगठन जो है इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, और ये जो कार्यक्रम है कोई एक संगठन नहीं कर रहा है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा है, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स पूरा जो बौद्ध समाज है उनके नेतृत्व में हो रहा है, और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग लेने वाले हैं हमारे देश के जो भिक्षुगण होते हैं, जो भिक्षु संघ हैं, वो पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो मैं आगे अगर हमारी इस याचिका को नहीं सुना जाता है, हमारी अपील यही है कि याचिका को सुना जाए निर्णय आने से पहले, और अगर ये नहीं भी सुना जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश जारी करता है, क्योंकि देश के अंदर बहुत ही मतलब क्रिटिकल माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, लगातार डिसिप्लिन में रहो, आवाज़ मत उठाओ, समथिंग एल्स, तो मुझे लग रहा है कि एक पक्षीय जो है डिसीजन आने की कंडीशन बना रहे हैं ये लोग, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिस्कस किया है सुनवाई के दौरान, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली हैं कि हिंदुओं ने या मुस्लिमों ने जो है अपनी बात को रख नहीं पाए, प्रूफ कर नहीं पाए कि वहाँ पे उनके एक्चुअल प्रूफ हैं, और साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी कहा है कि जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो साक्ष्य और प्रूफों के आधार पर चलता है। तो साक्ष्य और प्रूफ के आधार पर हम साक्ष्य और प्रूफ लेकर के खड़े हैं शिशु पन्ने की फाइल, आप उसको देख ही नहीं रहे हैं, तो क्या साक्ष्य प्रूफ कहाँ हवा में ढूंढेंगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, इसको लेकर पूरा समाज आक्रोशित है। जंतर मंतर पर हम पूरे बहुजन समाज से अपील करेंगे, बड़ी संख्या में पहुँच करके इस आंदोलन को सफल बनाएं, और अगर इसमें जरा सा भी मतलब हमारे मतलब आंदोलन पर विचार नहीं किया जाता या हमारे जो आग्रह है उस पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान नहीं देता है, तो हम उसके लिए जो है इस बात को इंटरनेशनल कोर्ट में भी ले जाने के लिए तैयारी में है। तो ये हमारी अपील है सभी बहुजन साथियों से कि 10 नवंबर को 10 बजे जंतर मंतर पर विशाल संख्या में पहुंचने का कष्ट करें, कि वो जो है कि अपने जिस भी संगठन से जुड़े हैं, या पार्टिकुलरली किसी एक संगठन किसी पार्टी का नहीं है, जिस भी संगठन से जुड़े हैं वो अपने डंडे झंडे और बैनर के साथ जो है कि जंतर मंतर में पहुंचे 10 तारीख को, जो है कि 10 बजे से 5 बजे तक का हम लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च रखा हुआ है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट जो है कि आप लोगों को भी पता है कि ये जो है कि केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, तो हम लोगों को इसके विरोध में रोड पे उतरना होगा, नहीं तो हमारे हक और अधिकार को ये लोग छीन लेंगे।
और आपको पता है कि ये हमारे संविधान में बहुत चीज जो है कि खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब तो लोकतंत्र का हत्या है, बिल्कुल खुलेआम कर रहे हैं। ठीक है, तो साथियों जो है कि 10 तारीख को जंतर मंतर पे सभी साथी पहुँचे, हम यहाँ पे व्यवस्थापक हैं और हम मंच जो है कि बना रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग आएँ और यहाँ पे नेतृत्व करें। साथियों एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जो ASI की जो रिपोर्ट है 2002-2003 का, तो उसमें जो खुदाई हुआ है तो वहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं और उनका जो है कि बहुत चीज़ निकल रहा है। तो हमारा कहना ये है कि आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट सबका सुनो, जो साक्ष्य है उसके आधार पे जो है कि अपना फैसला देने का कष्ट करें, नहीं तो अगर ये फैसला साक्ष्य के आधार पे नहीं आया तो हम देश अगर चलाना जानते हैं तो देश बंद करना भी जानते हैं। तो 10 तारीख के बाद हम देखेंगे कि आप क्या विचार कर रहे हैं, उस पर हम अपनी बात जो है कि रखेंगे। ठीक है, सभी साथियों को जय। मैं एक देश के प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे मुखातिब हूँ। मुद्दा ये है कि जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो विवाद है और जो जो जगह है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी प्रक्रिया चली और सुप्रीम कोर्ट अब कुछ ही दिनों के बाद जजमेंट देने वाली है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट से जो हम अपील करना चाहेंगे कि हमारे जो याचिकाकर्ता हैं विनीत मौर्य जी, उनके तरफ से भी एक याचिका लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार भी किया, टैग भी किया और बताया कि हम इसको सुनेंगे, लेकिन एट द लास्ट और एट द 11th आवर में उसको अनटैग कर दिया गया और उसका कोई कारण जो है वो बताया नहीं गया जो हमें स्वीकार हो, और कोर्ट की भाषा में भी जो है उस तरह की भाषा में उसको स्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताया गया। अब क्योंकि जजमेंट आने की स्थिति में है, मैं सुप्रीम कोर्ट और भारत की जो सरकार है उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि उस विवादित जगह पर आज की तारीख में ना तो कोई राम मंदिर है और ना कोई बाबरी मस्जिद है, वो जगह खाली पड़ी हुई है, और याचिकाकर्ता का यह दावा है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके भी साक्ष्य हैं 600 पन्ने का, उससे भी यह प्रतीत होता है और जानकारी मिली है मुझे कि उस खुदाई में बौद्ध अवशेष मिले हैं। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार उसकी खुदाई करवाए, बहुत गहराई तक खुदाई करवाए, और जो लास्ट में जो अंत में जो साक्ष्य पाया जाता सबसे नीचे, वह और वो जमीन उसकी मानी जानी चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से और सुप्रीम कोर्ट से भी यही कहने के लिए आया हूँ कि मैं न्यायालय में विश्वास करता हूँ, संसदीय व्यवस्था में विश्वास करता हूँ, देश का एक प्रबुद्ध नागरिक हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई जजमेंट आने वाले समय में ना दे कि देश की जो एक अल्पसंख्यक समुदाय है जिसको हम बौद्ध समुदाय कहते हैं, उसमें एक असंतोष की भावना पैदा करे और पैदा हो। हम संविधान के दायरे में अपनी बात कर रहे हैं, हमारा कोई भी आंदोलन हिंसक नहीं होगा, हम सत्याग्रह करने जा रहे हैं, आप पीछे बैनर देख रहे हैं उसमें सत्याग्रह जैसे शब्द का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो हम संविधान के दायरे में रह करके अपना विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं और अपनी मांग को जनता तक और देश तक और न्यायालय तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो संविधान से और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट से मेरा यह निवेदन है कि देश में अगर लोकतंत्र बचा रहे और जिसको कहते हैं कि और उसका सबसे बड़ा जो एक स्तंभ है न्यायालय, जिसके पास जिम्मेदारी होती है कि संविधान को हम बचाएं, बचा के रखें, क्योंकि जब राजतंत्र था तो राजतंत्र में राजा का शासन होता था, तो आप देखेंगे कि जिसका राज्य हुआ अगर वह हिंदू है तो उन्होंने मंदिर बना दिया, अगर मुस्लिम है तो उन्होंने मस्जिद बना दिया, लेकिन
आज की तारीख में 1947 से भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबकी आवाज को सुने जाने की परंपरा रही है। हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है बनाया हुआ, वह हमें यह हक देता है और उसी हक को हम यूटिलाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह करना चाहते हैं कि आप कोई हड़बड़ी में कोई ऐसा जजमेंट ना दें, ऐसा जजमेंट दें जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज और बौद्धिक समाज को भी स्वीकार हो। यही मेरा आग्रह, यही कहने के लिए मैं आपके बीच में हूँ। धन्यवाद साथ। मुझे एक बात और कहनी थी कि देखिए, हम लोग दम भरते हैं और बहुत सारे लोग अपने को SC ST OBC कहते हैं, और आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि 131 MPs हमारे चुने हुए रिजर्वेशन से चुने हुए पार्लियामेंट में जाते हैं। 131 है, राज्यसभा की बात मैं नहीं कर रहा। और सौभाग्य से हमारे उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, वह भी हमारे ही समाज से हैं। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी विरासत को बचाने के लिए आप अपना मुंह खोलिए, और सिर्फ उन्हीं से नहीं बल्कि और भी जो बहुजन नेता हैं जो अपने को क्लेम करते हैं कि हम आपके हितों की, हमारी जब सभ्यता और संस्कृति ही नहीं बचेगी, हमारी जो हड़प्पा सभ्यता से चली हुई जो परंपरा है वह भी नहीं बचेगी, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बुद्ध के मानवता पर आधारित सभ्यता है वह नहीं बचेगी, तो फिर इस देश में हमारे संविधान पर भी आने वाले समय में खतरा हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि इस क्षण में आप अपनी कोई प्रतिक्रिया दीजिए, देना चाहिए। जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं लोकेश कटारिया, नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन का फाउंडर। आज विषय ये है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर जो झगड़ा चला आ रहा है काफ़ी समय से, उसमें ना तो राम मंदिर के अवशेष मिले ना बाबरी मस्जिद के अवशेष मिले। अगर अवशेष मिले हैं तो मिले भगवान गौतम बुद्ध के। और सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार बनता है ना कि सरकार के दबाव में आकर कोई गलत डिसीजन ले और जिस डिसीजन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने पहले भी डिसीजन लिया था SC ST Act में संशोधन चेंज करने की तैयारी की थी, जिसका रिजल्ट 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद करके इस बहुजन समाज ने दे दिया था। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो भी डिसीजन ले, ऐसा डिसीजन ले कि किसी के धरोहर को जरा से भी क्षति ना पहुंचे। अगर आपको लगता है कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए तो आप राम मंदिर बनाइए। अगर लगता है कि आपको विद प्रूफ अगर आपको लगता है कि मस्जिद बननी चाहिए तो मस्जिद बनाइए। लेकिन अगर हमारे अवशेष मिले हैं, अगर हमारा वहाँ पर बुद्ध विहार नहीं बनता और बुद्ध मंदिर नहीं बनता तो हम फिर राम मंदिर नहीं बनने देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।